नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ राम मूर्ति जी हैं, जिनके साथ सीधी बातचीत दिखाते हैं, जानते हैं इनसे बातचीत करके इनको कैसा माहौल लगता है डेरा सच्चा सौदा संस्था का। राम मूर्ति जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। कितने समय से आ रहे हैं आप डेरा सच्चा सौदा संस्था में? कम से कम 35 साल से आ रहे हैं। कितना विश्वास करते हैं गुरु जी के ऊपर? बहुत ज़्यादा, आपसे ज़्यादा। क्यों विश्वास करते हो? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी विश्वास करते हैं? क्या क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत बदलाव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने तो बहुत टाइम ऐसा देखा है, अरे मालिक ने कुछ चीज़ की कमी नहीं छोड़ दी, इतना कुछ दिया मुझे भी मैं बता नहीं सकती। आश्रम में माहौल कैसा लगता है? आश्रम में लड़कियों की सुरक्षा कैसी लगती है? बहुत अच्छी है सुरक्षा लड़कियों की, बहुत ज़्यादा, अपने घर से भी ज़्यादा सेफ हैं लड़कियाँ। कभी ऐसा लगा हो जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था? वो तो झूठ है बिल्कुल, जमी पाखंड दिखाया उन्होंने सारा, जमी बिल्कुल झूठ। लड़कियाँ का इतने सेफ हैं, शायद वो घर पर भी नहीं सेफ रह सकती होंगे, यहाँ पर इतने सेफ हैं लड़कियाँ। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं संत जी, बिल्कुल गलत बेबुनियाद हैं आरोप जो इसने लगाए हैं। फिर सच क्या है, संत जी ने क्या काम किया है समाज के लिए, लोगों के लिए? संत ने तो बहुत सारे काम करे हैं, वैश्यावर्तियाँ ने इतनी बचा कर उनकी शादियाँ करवाई हैं, वो ठीक उनकी अच्छी, बहुत ज़्यादा उनकी संभाल करी है, और तो अच्छी शिक्षा देते हैं भी। क्या पता लोग नहीं समझे तो क्या करें उनका, लोगों का जरूरत है बहुत ज़्यादा समाज को, बहुत ज़्यादा जरूरत है समाज को। जो सुनते नहीं वो सच्चाई नहीं सुनते, वो झूठ के फ्रेम सुनते हैं ज़्यादा। क्या मांग करोगे आप सरकार से संत जी के लिए? मैं तो यही सरकार करूँ, यही मांग करूँगी सरकार से भी, पिताजी बिल्कुल सच्चाई है, झूठ नहीं है, सब सच्चे थे, सच्चे भी काम करो, अच्छे काम करते बेटियों की सेफ, उसके बिना बहुत सारा भी समाज के अंदर वो क्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार हमारे साथ जनता जुड़ रही है, जिस तरीके से बता रही है कि जिस संत ने समाज हित के लिए वैश्या तक को बेटी बनाया, समाज में इतने काम किए, इनका कहना है कि संत जी के ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको झूठा समाज से दूर किया जा रहा है। आप भी सोचिएगा आपकी क्या राय है, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए सच्ची बातें, फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।